और अपने हृदय से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। सर के नाम की एक ताली बजाएंगे आप। ये वेस्ट चीजों से बनाया मैंने, घर में पुरानी चीजें, ऊन का धागा, पुराना रील का धागा, मशीन का धागा, सीमेंट की बोरी, चाट पट्टी, विद्यालय का शुभ नाम, रंगोली डिजाइन, पेदान, कुछ भी बना सकते हैं आप कपड़े के ऊपर। मेरा नाम रमेश राव है, विद्यालय मंदिर है, बहुत से कलाकार, बहुत से लोग आपके स्कूल में आए होंगे, वो कागज के फूल वगैरह बनाना देखा होगा ना आपने। मैं भी एक छोटी सी कला लेके आया हूँ। ये कुछ बचे कुचे ऊन है, नए ऊन से हमारी मैडम आपके घर वाले स्वेटर, टोपी, गमले, कई अनेक चीज बनाते हैं इस ऊन से। बनाते कि नहीं बनाते बच्चों? ऐसे टुकड़े छोटे छोटे बच जाते हैं, तो हम इन्हें पुराने समझकर इन टुकड़ों को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। क्या करते हैं? लेकिन फेंकना नहीं है, अब कल फ्री टाइम, एग्जाम के बाद या संडे फ्री टाइम आप घर में कुछ भी बनाइए और बताइए आप। ये मैंने बनाया देखिए इसी ऊन से। मैं एक सीखा हूं, हजारों को सिखा सकता हूं। थोड़ा सरल है, हटके है और ऊन से है, बोथ साइड, टू साइड। ये इधर से बनाया गया, ये सभी ऊन है, देखिए आप, अलग अलग रंग के ऊन है, ऊन के धागे इधर से बनाया गया। इसे उल्टा मानते हैं हम, लेकिन उल्टा भी कोई खराब नहीं है। और पीछे के ऊन थोड़ा कैंची से काटने पर ऐसे कारपेट की तरह बनता है, ये सीधा है, देखिए टू साइड। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, इधर से भी है और इधर से भी है। इसका ये एक निडल मैंने हाथ से बनाया खुद, कपड़े में ड्राइंग बनाकर उसमें ऊन पोकर ऐसे कपड़े में स्टिच करना। बस कैसे ऊन डालेंगे, कैसे चलाएंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। ये मैं घर में जाकर नहीं सिखाता हूँ, केवल स्कूल में 10 मिनट दिखा के चला जाता हूँ। प्यारे स्टूडेंट्स, इसका मैंने एक निडल बनाया है अपने हाथ से खुद, थोड़ा हटके निडल, नो अवेलेबल मार्केट में आपको मिल नहीं पाएगा। देखने में निडल है लेकिन मशीन की तरह चलेगी। ये देखिए जी, ये 2-3 कलर में मैंने बनाया है खुद अपने हाथ से। ये ऐसे करके इसका एक निडल बनाया है, ये देखिए इस प्रकार, ये ग्रीन कलर और एक रेड कलर। इस निडल में ऊन यहां डलेगा और यहां डलेगा, और ऐसे पकड़कर उठाना है, प्रेस करना है, उठाना है, प्रेस करना है। पहले आप इसमें ऊन डालना सीखेंगे, बहुत इजी है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे भी आप घर में बताएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा लगे तो सीखना है आपको। सर ने इतनी बड़ी कीमती समय दी है, आप लोग भी कुछ कलाकार बने। ये देखिए जी, ऊन यहां डलेगा, यहां से डलेगा और फिर निडल में डलेगा। ऐसे डालने में तो अधिक समय लगती है, इसका सपोर्ट लीजिए आप। ये एक ऑर्डिनरी निडल है, छोटी बड़ी सुई है कपड़े सीने की, धागा डालकर, कोई भी रील का धागा डालकर नॉट कर लीजिए। ये इतना घर में बताइए आप, बस बहुत सिंपल डायरेक्शन देखिए, ऐसे करके एक हिस्सा छोटा एक हिस्सा बड़ा। ये निडल केवल ऊन पोने में काम में आती है, ऐसे करके ये निडल बाहर खींचेंगे, ऊन बाहर,
आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स? फिर एक निर्णय आगे और है, दोबारा फिर एक बार और डालेंगे सेम डायरेक्शन से। बाहर निकाल लीजिए निडल को, दोबारा ऊन डालने में काम में आएगी। फिर अलग रखिए, बस एक दो तीन बारीक बारीक बातें हैं वो याद रखिए। पहले पाइप में निडल को डालना है, फिर आगे निडल में डालना है, फिर नाट लगाना है और फिर खींचना है। ये ऊन ऐसे डलेगा, देखिए, एक बार यहाँ, एक बार निडल में, यहाँ पर एक नाट। कोई भी कपड़ा हो, थोड़ा मोटा रहना चाहिए। कपड़ा ना होने पर सीमेंट की बोरी टाट पट्टी भी बनता है वेस्टेड चीजों पर। कपड़ा टाइट कर लीजिए। अब ये क्या है, गोल गोल राउंड? बड़े बच्चे तो जानते हैं, छोटे बच्चे, बच्चों को पता नहीं। ये फ्रेम है, लकड़ी का, प्लास्टिक का, स्टील का। ये राउंड फ्रेम रिंग बोलते हैं, बाजार में अवेलेबल है, हर जगह मिलता है। अगर ये फ्रेम रिंग नहीं है आपके पास, पैसे खर्च मत कीजिए। ऐसे टेम्बलर, बड़े मुंह का बर्तन, ग्लास, कपड़ा ऐसे रख दीजिए और नीचे से रस्सी से बांध दीजिए या नीचे से टाइट पकड़ लीजिए और इस पे चले जाइए। अब देखिए चलाने का डायरेक्शन, देखिए बहुत ही सरल। आज भी करवाऊंगा मैं, एक दो स्टूडेंट को सिखाऊंगा यहां बुलाकर। ऐसे पहले कपड़े में ड्राइंग कर लीजिए आप। ये क्या लिखा मैंने? प्रिंसिपल साहब का गुड नेम, क्लास टीचर्स का गुड नेम, विद्यालय का गुड नेम, वेलकम, जय हिंद, मेरा भारत महान। पहले ड्राइंग कर लीजिए आप कपड़े में कोई भी। ये देखिए, ऐसे पकड़ना नीडल को, प्लीज सेंटर। ऐसे दिखाएंगे सभी को, सेंटर में पकड़ना है, नीडल दबाना है, ज्यादा उठाना है, फ्यू कम, ज्यादा कम, ज्यादा। ये कंपलसरी है, उठाते सभी कंपल। ये है कि हल्का सा उठा के दबाएंगे फुल, हल्का सा उठा के फुल, बस ऐसे कपड़े में चलाते जाइए, बनता जाएगा। देखिए ऊन खत्म होते जा रहा है, सिलाई बनती जा रही है और नीचे ऊन आ रहे हैं। बहुत साइड, टू साइड। ये देखिए बहुत इजी है, क्यों ऊन मोटा है, जल्दी बनता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। ये देखिए, हल्का सा उठाइए दबाइए, हल्का सा उठाइए दबाइए, बस इजी। धीरे चलना, धीरे और जल्दी चलना है, जल्दी। चार घंटे का काम, पांच सात मिनट के अंदर तैयार। ये देखिए जी, बहुत इजी। नीचे से कोई देखना पकड़ना नहीं है, नीचे ऑटोमेटिक ऊन आते रहते हैं। ये देखिए जी, छोटा सा टुकड़ा लिया था, ये ऊन खत्म। ये बैक और इधर से देखिए आप, ये ऊन नीचे आते हैं, जमा हो गए। इधर थोड़ा सा पूरा आफ्टर कंप्लीट बनने के बाद थोड़ा कैंची से काट लीजिए, ऐसे बनेगा, वो भी सिखाऊंगा मैं। एक भैया बहन जल्दी आइए, क्योंकि सर से मैंने कहा सर मैं 10 मिनट लूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए। प्लीज वन गर्ल्स वन बॉयज, जल्दी आइए, मैं थोड़ा आपको सिखाता हूँ, डरने की बात नहीं है, जल्दी कीजिए। कोई भी आ जाइए। मैंने कहा ना, कोई डरने की बात नहीं, आइए आप। कला सीखना कोई बुरी बात नहीं भाई। क्या? क्योंकि मैं एक सीखा हूं, आप यहां, मैं एक सीखा हूं, हजार को सिखा सकता हूं। एक दो मैडम जी फ्री है, एक दो मैडम को भी सिखा के जाऊंगा आपके विद्यालय के। इतना हंसने वाली बात क्या, कला है। मैं प्रॉमिस करता हूं मैडम को, फ्री टाइम इंटरवल के पहले, लंच के पहले कल आके सिखा के जाऊंगा पूरा। अंकल तो 10 मिनट के मेहमान हैं, लेकिन आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी रहेंगे, कला ये वर्क आपके जीवन में काम आएगा। आप
बस रुकी। देख कैसे मुंह डाल दिया और ढीला छोड़ी और ढीला छोड़ी और ढीला छोड़ी। वेरी गुड, सुई आ गई। खींची आराम से आराम से, और थोड़ा बार खींची बार खींची और सिंगल कर दीजिए। ये देखिए ठीक है। अब आगे घेरने में सेम डायरेक्शन अंदर से दोबारा ठीक। ये निडल बार करना है। और बच्चों आगे क्या लगाना है? पीछे से ये देखिए, ये ऊन डल गया इनसे। लेकिन मैं जानता हूं घर में जाकर कोई ना कोई गलती करेंगे आप, तो आज से निडल नहीं चलेगी। मेरा नाम रमेश राव है। 1 साल के 365 दिन होते हैं। एक दिन में 2 स्कूल 4 3 स्कूल में दिखाता हूँ। भारत के कोने कोने स्कूल, भारत के पूरा ऑल इंडिया, तमिलनाडु केरला कर्नाटका सभी जगह गया हूँ, सिखाता हूँ बताता हूँ। बहुत से बच्चे बनाते हैं और बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, अपनी मर्जी से चलाते हैं। कैसे? घर चले गए ऐसे पकड़ा, उनको खून बंद हो गया, कुछ ऐसे पकड़ा, कुछ चाकू की तरह पकड़ा और चलाना शुरू। नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद बहुत से भैया बहन मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। सॉरी रिक्वेस्ट। ऐसे पकड़ लेते हैं ऊन को ऊपर से, ऊन हो गया बंद, और कैसे चलाते हैं ऐसे। ये निडल सॉरी नहीं चलेगी। बोले अरे वो भाई साहब तो बड़े अच्छे चला रहे थे भाई, हमसे नहीं बन रहा क्या बात? ये गलती नहीं करेंगे रिक्वेस्ट, क्योंकि आपने पकड़ रखा ऊन बंद हो गया, ऊन फ्री। और ज्यादा ऊंचा उठा रहे हैं, ज्यादा नहीं उठाना है। आराम से उठाइए हल्का, और निकलिए बाहर, और निकालिए बाहर, निकालिए मुंह को, मुंह बाहर निकाल। हाँ आगे गैप देखिए जी, आगे गैप देखिए करें। ये देखिए वेलकम कीजिए इनका, बहुत ही अच्छे चला रहे भाई। बन रहा है वेरी गुड। थोड़ा स्टेज मेरे सामने, आपके सामने थोड़ा डर डर के चला रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू। तकलीफ तो नहीं बनाने में इजी है। वेरी गुड, जाइए आप रुकी। ये देखिए इनसे भी बन गया, भैया भी कर सकते हैं। आप ये मत समझना कि ये गर्ल्स लड़कियों का काम है, कला है ऐसी चीज है कि बहुत दोनों के लिए यूजफुल है। हल्का आराम से, जैसे बहन ने चलाया वैसे आराम से उठाइए, मुंह बाहर कम निकालिए, दवाई फूल आराम से उठाइए, दवाई फूल पूरी मिल। हाँ आगे गैप देके फूल जी, इनका भी वेलकम कीजिए भाई। ताकत लगा दी घुस में, आराम से उठा कर दबा, आराम से उठा के दबा, गैप को दीजिए आगे थोड़ा सा बाहर निकालो, मुंह आगे गैप दीजिए। हाँ वेरी गुड, पूरी पूरी निडल जानी चाहिए अंदर कपड़े का फुल। थैंक यू। ये देखिए इनका भी वेलकम कीजिए आप। ये कौन से रंग का ऊन है प्लीज, कौन से रंग का ऊन दिखाई दे रहा है आपको? ब्राइट कलर। और ये कौन सा कलर? बस केवल एक वन मिनट और, ये कौन सा कलर है? आपको ग्रीन कलर डालना था जल्दबाजी में, ये रेड कलर चला गया, खराब हो गया, अच्छा नहीं लगा आपको, तो आप क्या कीजिए, ऐसे काटना नहीं है, काटना नहीं है। गलती भूल चूक होने पर आप क्या कीजिए, बिना कटा हुआ ऐसे खींचेंगे निकल जाएगा, ये मैंने बनाया ये भी निकल जाएगा। नहीं काटना है, अच्छा नहीं लगा निकाल दीजिए, कपड़ा भी खराब नहीं ऊन भी खराब नहीं। अब आप ये कैंचे से काटना देखिए, इसके बाद मेरा कार्यक्रम खत्म। बहुत अच्छी चीज़ है, घर में यूजफुल है। एक मैं 2-3 लाइन बनाकर आपको दिखाता हूँ, बस उसके बाद कार्यक्रम खत्म है। ये देखिए वन लाइन बन गई आपके सामने, इसके बाद ये 2 लाइन,
क्योंकि ओम भी आपके घर में है और बाजार में भी मिलते हैं। ये 3 लाइन हो गई, फिर ये 4 लाइन और छोटा सा टुकड़ा लिया था आपको दिखाने के लिए। ये ओम खत्म जिधर से बनाया है, पहले जो गांठ है ऊपर से लगाई थी, निडल में गांठ काट लीजिए। ये उल्टा है, उल्टा भी खराब नहीं है। इधर पीछे देखिए आप भैया बहनों, ये ऊन है। अब ये ऊन है, थोड़ा सा कैंची से काटना है। आपके मम्मी दीदी को इतना बताना है बस। ये देखिए, ये कारपेट गलीचा बन जाएगा। इधर ये सीधा और इधर ये उल्टा, जिधर से बनाया, बनाने वाला साइड ये है। ये देखिए, पूरा गैप गैप नहीं देना, बीच में जगह बीच में खाली नहीं रहनी चाहिए। पूरा भर लीजिए अलग अलग कलर के ऊन लेकर। ये है उल्टा साइड बनाने वाला हिस्सा और ये कैंची से काटने वाला हिस्सा। ये जब थोड़ा कैंची से ऊन काट लिया मैंने, ये ऐसे बन गए। देखिए छोटे बच्चे भी कर सकते हैं।